तो रेडमी का 8 8A है, ये ड्यूल नहीं है, सिंगल कैमरा वाला है ये। तो ये हमारे पास 1.5 आया और शायद गिरने या दबने के बाद ये 1.5 हो गया है। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि सीपीयू का सीधा सीधा मामला है, कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे बैटरी भी हमारा कुछ कुछ चार्ज है और यहाँ पे हमारा सेकेंडरी लाइन का वोल्टेज भी आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं पावर आईसी के पास, ठीक है। तो पावर सेक्शन से हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरे शॉप से आया है। तो इसका सीधे सीधे हम दोस्तों सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो मदरबोर्ड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें सीपीयू है जो कि हमें दोनों रिवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एमएमसी भी, क्योंकि यहाँ पे दबा हुआ है तो इधर जरूर न जरूर हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। तो इसको हम बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए पहले हमने इनमें से कोई बोलता है, ठीक है। इनमें से उन्हें बाहर कर दिया, देख सकते हैं, ठीक है। इसको पिंग करते हैं, चलिए ये निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें से बोल निकल गया, तो इसको करना पड़ेगा। यहाँ से बोल आ गया, ठीक है। देखो कर देते हैं बाहर, चलिए एमएमसी और सीपीयू हमने बाहर कर लिया दोस्तों, ठीक है। इसको क्लीन कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद हम रिवॉल्विंग करके फिटिंग करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने मदरबोर्ड को क्लीन कर लिया है, अब सीपीयू और एमएमसी में रिवॉल्विंग करना है साफ करके उसको, ठीक है। उसके बाद इस पर हमें फिट कर देना है। सीपीयू और एमएमसी हमने दोनों रिवॉल्व कर दिया यहाँ पे, अब इसको हमें फिट करना है, ठीक है।
चलिए ठंडा हो गया ये, अब इसको चेक किया जाए। ठीक है, फोन सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको दोस्तों हम अभी चार्जिंग पर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सही हो चुका है ये। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको ऑन करते हैं। तो इसको हमने दोस्तों ऑन भी कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।